नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी, स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम हिस्ट्री कंटिन्यू रख रहे हैं। हिस्ट्री में हम चैप्टर वाइज पहले हमने जो गवर्नर शुरू किए उससे पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो देखा। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड वेलेजली। ये जो लॉर्ड वेलेजली हैं, गवर्नर रहे, कब से कब तक रहे थे, क्या इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, रेवेन्यू रिफॉर्म है, और उसके बाद क्या इन्होंने जो इन सैनिक रिफॉर्म है, सारे के सारे इनके द्वारा किए हुए रिफॉर्म वगैरह, और क्या इनके जो टाइम पर जो वार वगैरह, जो महाराजा वगैरह थे, जो अदर स्टेट थे उनके साथ में इनके रिलेशन थे, वो कैसे रहे, सहायक संधि वगैरह, आज सब ये देखने वाले हैं आज के टॉपिक में हम। लेकिन शुरू करने से पहले काफ़ी अच्छा लगा ये क्वोट्स के, योर लाइफ इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। देखिए, जो आपकी ज़िंदगी है ना, यही दुनिया के लिए आपकी ओर से मैसेज है। तो कोशिश कीजिए कि ये इंस्पायरिंग हो लोगों के लिए, यानी अपनी अपनी जो लाइफ है इसको ऐसी बनाइए कि जब कोई भी आपकी तरफ देखे तो वो इससे इंस्पायर हो, कुछ सीख आपका। जब हम देखो, जाना सबको, लेकिन हम एक वजूद के साथ जाएं, हम अपनी एक पहचान बना के साथ जाएं, पहचान बनाने के साथ के हमारी एक पहचान हो, हमें भी कोई जाने। आते जाते सब हैं, लेकिन अपनी एक पहचान, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और हमेशा की तरह वही बात, जब हम गवर्नर जनरल को पढ़ते हैं तो उनके पढ़ने से पहले हमें प्री जस्टिस बिल्कुल नहीं होना, किसी के बारे में भी ये नहीं सोचना कि वो उन्होंने भारत पर रूल किया वो गलत थे। नहीं, हमको दोनों फैक्ट लेके चलने हैं। हर चीज़ की अच्छाई और बुराई होती है। कोई भी चीज़ पूरी तरह से अपने आप में अच्छाई ही नहीं होती, वो हर अगर किसी दो के लिए अच्छी है तो किसी एक के लिए गलत भी होती है। तो इसीलिए प्री जस्टिस नहीं होना, उनकी अच्छाइयाँ भी देखनी है, उनकी बुराइयाँ भी देखनी है हमें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इतना ही, अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताइए, बाकी थोड़ा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली कितने टाइम तक गवर्नर रहे थे यहाँ पर? ये रहे थे 1798 से लेकर 1805 तक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे 1798 से 1805 तक। रिचर्ड कॉल वेलेजली, बेटर नोन एज मार्क्सिस वेलेजली, सक्सीडेड सर जॉन सोर। इन्होंने जो सर जॉन सोर थे उनका स्थान लिया था 1798 में, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798। और जो गवर्नर जनरल बने थे ये 1798 में बने थे। तो वेलेज जब भारत में आए थे तब उनकी एज 37 ईयर की थी, यानी वो 37 वर्ष के थे। और 37 वर्ष का मतलब एक युवा ही होता है, कोई 37 वर्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप रहते हैं, काम करने की परिपक्व एज होती है 37 साल। तो 37 साल के थे जब वो गवर्नर जनरल बन के आए थे। उससे पहले वो इंग्लैंड में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए थे, जो वेलेजली थे, कोई इम्प्रेशन ये इंग्लैंड में नहीं छोड़ पाए थे अपने कोई जो कार्य थे उनकी वजह से। तो एक व्यक्ति ने इनसे कहा था कि आपको और बड़ा क्षेत्र चाहिए, आप यहाँ घुटन से मर रहे हैं, कि ये आपके काम करने लायक प्लेस नहीं है, ये कोई जेन्युइन प्लेस नहीं है जहाँ आप काम कर सकें। तो आपको एक विस्तृत प्रदेश चाहिए, आप इतने जो आपकी जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप ये छोटे से क्षेत्र में नहीं सीमित होकर रह सकते, आपको बड़ा क्षेत्र चाहिए। तो वेलेजली ये काम करने में तो इनकी जो क्षमता थी, इंग्लैंड में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए थे, लेकिन जब इनको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा तो इनका उद्देश्य स्पष्ट था। जब वेलेजली भारत आए तो इनका उद्देश्य स्पष्ट था, इनका उद्देश्य था कि यहाँ इनको कंपनी को सबसे बड़ी शक्ति बनाना है, और उसके जो प्रदेश हैं कंपनी का उनको विस्तार करना है, और भारत के सभी राज्यों को इस स्थिति में लाना है कि यहाँ वो सवर सारे के सारे जो कंपनी है उस पर निर्भर हो जाए। और वेलेजली ने शांति और निष्पक्षता की जो नीति थी उसको छोड़ दिया, यानी इन्होंने जो शांति और निष्पक्षता की नीति थी उसको छोड़ दिया, और जो इन्होंने नीति अपनाई वो युद्ध, केवल युद्ध और केवल युद्ध। इन्होंने वार 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 यानी केवल युद्ध की नीति वेलेजली ने अपनाई थी। और ये वेलेजली जो थे ये स्पष्ट कहते थे कि जो मराठा प्रदेश हैं उनको विजय कर लेना भारतीय जनता पर महान अनुग्रह है, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग होगा जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके लिए, अगर जो मराठा टेरिटरी है अगर उनको हम विलय कर लेते हैं, उनको विजय कर लेते हैं, तो जो भारतीय लोग हैं उन पर हमारा बहुत बड़ा ये अनुग्रह होगा। और यह बड़ी कठिनाई हो रही थी वेलेजली को ये समझने में कि ये जो लोग हैं, ये जो मराठा लोग हैं, ये परोपकारी शक्ति, यानी जो इंग्लिश है, ये इतनी बड़ी परोपकारी शक्ति है, इसके अनुशासन के अंडर क्यों नहीं आना चाहते।
तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम इंग्लिश से अपने आप को इतना हाई समझ के चल रहे थे कि इंग्लिश तो इतनी महान कंपनी है, इंग्लैंड इतने इनके जो गुण हैं वो इतने महान हैं, और ये मराठा लोग ये तुच्छ से प्राणी और हमारे अंडर ये आना नहीं चाहते, समझ भी नहीं आ रहा। अगर हम इनको अपने अंडर कर लेते हैं तो ये जो भारत के लोग हैं इन पर बहुत बड़ा यानी हमारी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग होंगी इनके लिए। तो अब देख लेते हैं, जो वेलेजली का सबसे मुख्य रूप सामने आया था वो आया था सहायक संधि प्रणाली में। अब ये सहायक संधि प्रणाली क्या होती है, देखो जो सहायक संधि प्रणाली होती है इसको जो भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया, यानी जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था इसका प्रयोग किया गया ताकि जो भारतीय राज्य हैं इनको जो कंपनी है इसके अधीन लाया जा सके। और इससे दो फायदा हुए, पहला तो जो अंग्रेजी सत्ता थी यानी जो ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर थी वो स्थापित हो गई पूरी तरह से, उसकी श्रेष्ठता स्थापित हो गई जो ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर थी वो। और दूसरा उस टाइम पे नेपोलियन का भय था, तो नेपोलियन का भय भी जो सहायक संधि प्रणाली थी इसी की वजह से हट गया। ये आगे देखते हैं हम, इसको विस्तार से पूरी तरह से देखते हैं कि नेपोलियन का भय से कैसे खत्म हुआ और कैसे इन्होंने जो ब्रिटिश पावर थी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी वो स्थापित कर दी इस सहायक संधि प्रणाली की वजह से वेलेजली ने। देखो पहली बात तो जो ये सहायक संधि प्रणाली है इसकी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इससे दो काम हुए, पहला तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्थापित हुई भारत में, दूसरा नेपोलियन का भय खत्म हो गया। अब अल्फ्रेड लायन ने, जो अल्फ्रेड लायल थे, इन्होंने इसके चार स्टेज मेंशन किए हैं सहायक संधि प्रणाली के। वो चार स्टेज कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है इसका, फर्स्ट स्टेज वो था, इसका पहला चरण वो था सहायक संधि प्रणाली का, जिसमें कि कंपनी ने भारतीय मित्र राजाओं को उनके युद्धों में सहायता के लिए सेनाएं किराए पर दी। यानी जो कंपनी थी इसने सेनाएं किराए पर दी, जो इसके एलाय थे, जो भारतीय जिनके साथ इसकी मित्रता थी उनको सेनाएं किराए पर दी पहले चरण में। और दूसरा चरण ये था कि जो कंपनी थी उसने जो भारतीय जो इंडियन एलाई थे उसके जो भारतीय मित्र थे उनकी ओर से स्वयं ही युद्ध में भाग लिया, यानी दूसरी अवस्था में स्वयं अपने मित्रों की सहायता से युद्धों में भाग लिया कंपनी ने। ये सेकंड स्टेज था सहायक संधि प्रणाली का। इसका जो नेक्स्ट स्टेज यानी इसका जो तीसरा चरण था, तीसरा चरण वो था कि जब भारतीय राजा अब कंपनी पर निर्भर हो गए थे, अब उनको जो सेना थी वो ब्रिटिश प्रोवाइड कर रही थी और पैसे दे रहे थे भारतीय राजा, यानी अब जो भारतीय राजा थे उनको सेना के बदले में उनको मनी देने मतलब पैसे देने थे कंपनी को। और चौथा चरण था, जो चौथे चरण तब आया जब कंपनी ने अपने मित्रों की सीमाओं की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और इस उद्देश्य से अपनी एक सहायक सेना उस राज्य में रख दी, यानी अब जो आपकी सीमा है, आपकी जो बाउंड्री है, तो उनकी जो रक्षा है वो हम करेंगे और इसके बदले में आप हमसे पैसे दोगे या आप हमसे एक प्रदेश दोगे, या उन्होंने मतलब कर रेवेन्यू वगैरह के लिए उनसे काफ़ी बड़ा एक प्रदेश ले लेते थे और कहते थे कि आपकी जो सीमा है अब उनसे उनकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। तो इससे क्या हुआ, इससे दो काम हुए, पहला तो कंपनी को जो अगर उनकी सेना, देखो मान के चलो अगर कंपनी के पास में 400 लोग थे, फॉर एग्जांपल 400 लोग हैं, तो कंपनी को अगर भारतीय राजाओं के पास अगर वो सहायक सेना के रूप में नहीं रखती तो क्या होता कि 400 लोगों को कंपनी को वेतन देना था, दूसरा 400 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी थी, 400 लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था भी करनी थी, तो ये काम होते कंपनी के। लेकिन सहायक संधि से क्या हुआ कि ये 400 के 400 लोग हो गए राजा के ऊपर, यानी कि अब जो वेतन था वो राजा को देना, ज़्यादा वेतन देता राजा एक्स्ट्रा तो कंपनी को भी फायदा, दूसरा सारा का सारा खर्च किसका, राजा का, जमीन किसकी, राजा की, यानी कि राजा के खर्च पे राजा के यहाँ और अपनी सेना रख दी फोर्थ स्टेज में कंपनी ने, ऊपर से उनसे जमीन ले ली रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो ये था इसका फोर्थ स्टेज। तो ये जो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वेलेजली था उसने सहायक संधि प्रणाली की, कोई ये नहीं कि प्रथम बार जो सहायक संधि प्रणाली भारत में लागू की वो वेलेजली ने की थी, नहीं, वेलेजली भारत में पहली बार सहायक संधि प्रणाली लागू करने वाला व्यक्ति नहीं था। भारत में पहली बार जिस व्यक्ति ने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी वो था डुप्ले। जब मैंने डुप्ले कराया तो आपको बिल्कुल अच्छे से बताया कि उन्होंने जब कर्नाटक और हैदराबाद के जो कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम थे इनके साथ जब युद्ध किया था अंग्रेजों से, तो इनके ऊपर जो अपनी सेनाएं थी वो बिल्कुल इनके ऊपर डाल दी थी कि आप हमारी सेनाओं का खर्चा उठाइए, इसके बदले में आपको हम यहाँ से मतलब राज्य दिलाएंगे और इतना हिस्सा आप हमको दे दीजिए। तो वो डुप्ले था पहला जिसने ये यूरोपीय जो ट्रूप्स थे यानी जो यूरोपीय जो सेना थी उसको भारतीयों के खर्च पर भारतीयों के यहाँ पर रखा।
तो डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने जो सब्सिडरी जो सिस्टम है, सहायक संधि जो है, उसकी स्थापना की थी भारत में। वेलेजली पहला नहीं था, हाँ वेलेजली पहला था जिसने बिल्कुल हाई लेवल पे जो सहायक संधि है इसको स्थापित किया था। सबसे ज्यादा यूज जिसने किया वो वेलेजली था इसका, सहायक संधि का। और पहली बार जो सब्सिडरी जो ट्रीटी यानी जो सहायक संधि की गई थी वो की गई थी अवध के नवाब से 1765 में, यानी 1765 में अवध के नवाब से सहायक संधि पहली बार की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एडवांटेज टू द कंपनी के, इससे जो कंपनी थी उसको क्या क्या लाभ हुए, यानी जो सहायक संधि थी इससे कंपनी को क्या क्या लाभ हुए वेलेजली ने, क्योंकि ये सिस्टम तो काफ़ी उन्होंने बड़ी मात्रा में यूज किया, हर जगह हर राजा को उनकी कोशिश रही थी कि अब इसके द्वारा अपने अधीन कर लेते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कुछ इसके लाभ भी होने थे तभी इन्होंने किया। तो अब हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या क्या थे। उससे पहले कि जो सहायक संधि थी इसकी कुछ देखो शर्तें भी होती थी और कुछ प्रतिबंध भी होते थे, तो एक बार वो देख लेते हैं कि इसके प्रतिबंध और शर्तें क्या क्या थी। पहला तो देखो इसमें जो राजा थे उनके विदेशी संबंध कंपनी के अधीन हो जाते थे, जो राजा थे उनको अपने यहाँ पर एक सेना रखनी होती थी जिसका खर्चा वो देते थे, राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था, कंपनी की अनुमति के बिना दूसरे किसी भी यूरोपीय राज्य या किसी भी अदर स्टेट से, अपने यहाँ के भी किसी जो हमारे अदर भारत के जो स्टेट से, उनसे वो कोई संबंध नहीं रख सकते थे। हालांकि कंपनी ये कहती थी कि आपके जो आंतरिक मामले हैं उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वो करते थे। और जो शत्रु मतलब राजा के, इसके बदले में जो राजा के हर प्रकार के जो एनिमी थे, जो शत्रु थे, उनसे कंपनी को रक्षा करनी थी। तो इसके बदले में अब कंपनी को क्या लाभ हुआ ये देखते हैं। देखिए पहला कि अब सहायक संधि प्रणाली की वजह से जो साम्राज्य निर्माण का कार्य था उसमें एक भेदीय शत्रु की भूमिका निभाने लगी कंपनी, यानी जो कंपनी थी उसमें भेदीय शत्रु मतलब के एक शत्रु जो बिल्कुल आपके बीच में और आप पहचान भी नहीं पा रहे उसकी भूमिका निभाने लगी। और इससे क्या हुआ कि जो भारतीय राज्य थे वो बिल्कुल निरस्त्र हो गए, उनके पास कोई खुद की प्रोटेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं रही और वो कंपनी द्वारा प्रोटेक्ट किए गए। अब वे आपस में संघ नहीं बना सकते थे, यानी कोई आपस में अगर दो राज्य हैं तो आपस में वो कोई भी संघ नहीं बना सकते दो राज्य, और कम से कम अंग्रेजों के विरुद्ध तो जो सहायक जिन राज्यों ने सहायक संधि की हुई है वो कोई भी संघ आपस में नहीं बना सकते थे। और दूसरा जैसा कि मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ भी कि इससे इट इनेबल द कंपनी टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन प्रिंसेज, यानी कि इसने जो कंपनी की लार्ज आर्मी थी काफ़ी बड़ी जो सेना थी उसको भारतीय राजाओं के खर्च पर, यानी जो भारतीय राजा थे उनके खर्च पर उन्हीं के यहाँ, यानी उन्हीं के खर्च पर और उन्हीं के यहाँ मेंटेन करने की व्यवस्था दे दी, यानी मेंटेन करने की व्यवस्था दे दी कि ऐसा हुआ ऐसा कि जो भारतीय राजा थे खर्चा भी उन्हीं को उठाना था सेना का, सेना रहती भी उन्हीं के यहाँ पर, मतलब और उसके जो सारे के सारे पेंशन थे वेतन थे वो भी राजाओं को देना, ऊपर से कंपनी को अपना टैक्स अलग से, कि मेरी चीज़ फ़ायदा भी उसका मैं, और जहाँ मुझको उसके ऊपर खर्च करना चाहिए उसके बदले में मुझे वो प्रॉफिट दे रही है, उसका खर्चा भी निकल रहा है। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि मान के चलो एक कार लेते ईएमआई पर कार लेते, लेकिन ना तो मुझे उस कार की ईएमआई देनी पड़ रही और बदले में उससे और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मुझे, उल्टा ये सोच लो कि ईएमआई कार मुझे दे रही है और कार मेरी की मेरी, तो उससे बढ़िया और क्या होगा। तो ये सिस्टम दिया सहायक संधि प्रणाली ने। और हुआ इससे एक और चीज़ हुआ कि जो कंपनी की सेना थी अब वो भारतीय राजा थे उनके यहाँ पर कंपनी की सेना रखी गई, तो इससे कंपनी को बहुत से सामरिक महत्व यानी जो स्ट्रेटजिक महत्व और पोजीशन वो प्राप्त हो गई जो इंग्लिश कंपनी थी उसको, उनके ऊपर उनका नियंत्रण हो गया, क्योंकि जो राजा थे वो पूरी तरह से कंपनी की सेना पर निर्भर हो गए, अपनी कोई भी सेना वगैरह कोई भी शक्ति उनके पास रही नहीं, कोई ना संघ बना सकते ना किसी से संपर्क कर सकते, अंग्रेजों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, और सेना बिल्कुल पूरी तरह से राज्य में, राजा की सिक्योरिटी वगैरह सारी सेना के हाथ में आ गई, तो कंपनी को एक स्ट्रेटजिक के पोजीशन मिल गई इंडिया के अंदर, यानी जो राज्य थे उनके अंदर जो कंपनी थी अब उसको अपनी एक स्थायी व्यवस्था प्राप्त हो गई थी, राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त हो गई थी। आंतरिक मामलों ने उन्हें कहा था कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने हस्तक्षेप किया, अपने यहाँ जो राजा थे उनकी कोई भी पावर उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ी थी। और इससे ये भी लाभ हुआ कंपनी को कि जो युद्ध होते थे अब उनका, देखो युद्ध होते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, अब कंपनी है व्यापारिक कंपनी है अपने लाभ के लिए आ रखी है, तो कंपनी को ये फायदा हुआ कि जो भी युद्ध वगैरह होते थे तो उनका उस पर कोई भी फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ता था, उसको कोई भी थ्रेट नहीं था वार का, कोई भी डर नहीं था
कि एक्चुअल वार कहीं भी हो रहा है, उसको फाइनेंशियल तो कोई डर ही नहीं था, क्योंकि जो वित्तीय साधन थे वो पूरे के पूरे उनका भार था वो राजाओं पर डाल देते थे। और दूसरा, जो युद्ध क्षेत्र था वो भी कंपनी के प्रदेशों से दूर रहता था, तो यानी जहाँ कंपनी के व्यापारिक गोदाम वगैरह हैं वो भी सेफ रहते थे, कंपनी की फाइनेंशियल जो अकाउंट थे वो भी सेफ रहते थे, तो यानी कंपनी पर अब कोई भी इफेक्ट नहीं था। उसकी सेना का खर्च भी उठा रहे हैं, उस पर युद्धों का भी कोई टेंशन नहीं है, ना उसका जो एरिया है उससे, जो फील्ड है, टेरिटरी है उसके, उससे दूर युद्ध हो रहा है, तो कंपनी के लिए इससे सेफ कुछ भी नहीं हो सकता था। और इससे ये भी हो गया था कि जो कोई भी यूरोपीय नागरिक है वो बिना कंपनी की इजाज़त के कहीं भी भारत के अंदर किसी भी राज्य के यहाँ काम नहीं कर सकता है, कोई भी सेवा अपनी नहीं दे सकता, कोई भी सर्विस नहीं दे सकता कोई भी यूरोपीय नागरिक, यानी जो फ्रेंच हैं, पुर्तगीज हैं, डच हैं। अब उनको अगर किसी भी स्टेट के अंडर, जैसे उनकी सहायक संधि हो चुकी है कंपनी की, उसके अंडर उनको कोई भी सर्विस करनी है, तो उनको पहले कंपनी को प्रॉमिस देनी थी कि हाँ हम आपको कोई भी हार्म नहीं करेंगे। अगर कंपनी उनको दे दिया परमिशन कि हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो वो उनके कोई भी अपनी सर्विस नहीं दे सकते थे। और इससे कंपनी जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स थे उनमें भी सबसे बड़ी मध्यस्थता करने वाली उभर कर सामने आई दो राजाओं के बीच में, क्योंकि आपस में वो बातचीत बिना कंपनी के कर नहीं सकते थे। अगर दो राजाओं के बीच में कोई भी मतभेद है तो उनका अगर उसको सॉल्यूशन निकालना है उनको, तो उनके बीच में मध्यस्थता करने वाली बन गई कंपनी। यानी कोई भी उनका कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए अब कंपनी है, और वो अपना फ़ायदा देखती थी, जहाँ उसको अपना फ़ायदा दिख रहा है वो उसकी साइड लेती थी। और इससे जो फ्रेंच मूव थे, यानी जो कोई भी अगर फ्रेंच की दिक्कत थी, कोई भी राजा वगैरह जैसे फ्रेंच से कंपटीशन मिल रहा था इंग्लिश कंपनी को, तो उसकी भी टेंशन जो इंग्लिश कंपनी थी उसको ख़त्म हो गई। और इससे हुआ ये क्या कि जो अंग्रेज रेजिडेंट थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए, यानी जो अंग्रेज रेजिडेंट थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए। और इन राज्यों के जो आंतरिक मामले थे, यानी जो इंटरनल अफेयर्स जो थे इन स्टेट्स के, उनमें भी ये लोग काफ़ी हस्तक्षेप करने लग गए बाद में आकर, जो रेजिडेंट थे ब्रिटिश रेजिडेंट थे, क्योंकि हर अंग्रेज हर राज्य में जैसे सहायक संधि हुई है उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना आवश्यक था। कहा यह था कि आपके हम इंटरनल अफेयर्स में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में यही लोग सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे, अगर कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं है तो ये लोग क्रिएट करते, फिर कंपनी आती बीच में और उस पर ये लोग फिर कब्जा करते। तो इससे इनको पूरी की पूरी सामरिक पावर थी वो अब कंपनी के हाथ में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों वे में आ चुकी थी। डिसएडवांटेज टू इंडियन स्टेट्स, यानी जो भारतीय राज्य थे, देसी राज्य थे, अब उनको क्या क्या हानि हुई इस सहायक संधि प्रणाली से, तो ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो इस संधि से ये हुआ कि जो भारतीय राजा थे उनका जो मानसिक बल था वो कम हो गया, यानी अब उनको ये लगने लगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सारी की सारी पावर तो कंपनी के पास ही है, वो हम धीरे धीरे करके जो हमारा अस्तित्व है वो बहुत जल्दी मिटने वाला है। तो जो सर टॉमस मुनरो थे उन्होंने कहा था, जो ध्यान रखना नाम ध्यान रखना, ये सर टॉमस मुनरो, देखो जब हम मेंस में कोई भी नाम वगैरह ऐड करते हैं तो मान लो अगर आप सर टॉमस मुनरो, अगर कोई भी ऐसा वेलेजली के ऊपर या सहायक संधि प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन लिखने को आ रहा है और आपने वहाँ पर सर टॉमस मुनरो और फिर इनके साथ में इनका कैप्शन मेंशन कर दिया, तो समझ लो आपका आधा एक नंबर बढ़ जाएगा, और आधा एक नंबर मजाक नहीं होता, बहुत बड़ी वैल्यू होती है इस आधे एक नंबर की। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ढीला लेके ना चलें। ये जो कुछ नाम है, कुछ जो इनके द्वारा कही गई बातें काफ़ी हाईलाइटेड बातें, और इनसे आसान रहता है याद करना भी जो इनके द्वारा बातें कही गई हैं, क्योंकि कही इन्होंने इस वे में। तो सर टॉमस मुनरो ने कहा था कि राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र तथा वह सब जो किसी भी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं खो दिया, क्योंकि उनकी जो रक्षा का भार था अब वो कंपनी के हाथ में आ गया था। यानी एक राज्य थे, उसने अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और सब कुछ बेचकर कंपनी के हाथों सुरक्षा मोल ले ली, यानी जो कंपनी थी उसके हाथों उन्होंने सुरक्षा मोल ले ली, अपना जो नेशनल करेक्टर था और राष्ट्रीय चरित्र था वो सब उन्होंने खो दिया, जो स्वतंत्रता थी वो सब खो गए, जो कंपनी थी उन सब के बदले में उन्होंने कंपनी से सुरक्षा मोल ले ली। और जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे ये दिन प्रतिदिन के मामलों में, जो उनके दिन प्रतिदिन के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस जो होते थे, जो प्रशासनिक जो कार्य होते थे दिन प्रतिदिन के, उनमें जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे ये हस्तक्षेप करने लगे,
हर मामले में आते, ये अपने कंपनी का फायदा देखते, कोई भी ये बिल्कुल ये चाहते थे कि जो राजा हैं वो अब कंपनी के कठपुतली बन के रह जाए, इससे ऊपर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा कंपनी के ऊपर हो या कंपनी को आप सुप्रीम करके चलो, नहीं, सुप्रीम कंपनी रहेगी, आप कंपनी से ऊपर नहीं जा सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कंपनी के हर उनकी जो प्रशासनिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप करने लग गए जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे। और मुनरो ने लिखा है कि डेट द सब्सिडी सिस्टम मस्ट एनी वेयर रन इट्स फुल कर्स एंड डिस्ट्रॉय एवरी गवर्नमेंट व्हिच इट अंडरटेक्स टू प्रोटेक्ट। यानी कि जो मुझे कोई भी संदेह नहीं कि जो सहायक संधि अपना वास्तविक रूप दर्शाएगी और अंत में उस सरकार को पूर्ण तरह नष्ट कर देगी जिसकी रक्षा का भार उसने उठाया है। यानी जो सहायक संधि है एक दिन उसी ही सरकार को पूरी तरह से खत्म कर देगी जिसकी जो रक्षा का भार है, यानी जिसकी जो प्रोटेक्शन का भार है इसने खुद उठाया है। एक दिन उस जो सरकार को पूरी तरह से गवर्नमेंट को तहस नहस कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ये सहायक संधि, ये किसने लिखा है, ये भी यानी थॉमस मुनरो ने लिखा है। तो ये काफ़ी इनके दो और भी काफ़ी इन्होंने बात कही है, तो अगर आप एक दो बातें भी ऐड कर देते हो तो वो काफ़ी हो जाता है। ए स्टेट विच एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस कर्टेड फाइनेंशियल बैंकरप्सी। यानी जो राज्य जिसने ये सहायक संधि प्रणाली, जो सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर किए हैं वो बहुत जल्द ही दिवालिया हो गए। कंपनी ने प्रायः राज्य की जो आय थी उसका 1/3 यानी एक तिहाई हिस्सा जो था वो आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों से लिया। जब धन के बदले जो प्रदेश मांगा जाता था वो बहुत अधिक होता था। तो वेलेजली ने एक बार खुद ही कहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को उसने लिखा था कि हमने 40 लाख रुपए के बदले 62 लाख रुपए वार्षिक का प्रदेश जो है वो भारतीय एक राज्य से मांगा है। यानी उसका हमको चाहिए तो वैसे 40 लाख थे लेकिन जो हमने प्रदेश लिया है उसकी जो वार्षिक आय है वो 62 लाख है। तो और उस टाइम पर अगर आप 22 लाख रुपए आप वार्षिक फालतू ले रहे हो किसी से तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पर 22 लाख रुपए मामूली आज की तरह नहीं होते थे। 22 लाख मतलब बहुत ज़्यादा रकम होती थी और उस टाइम पे आप इतना फालतू लेके चल रहे हो। तो ये बैंकरप्सी फिर स्टेट को आनी ही आनी थी। उनके पास जो उनके फाइनेंशियल जो रिसोर्स थे वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे थे, क्योंकि ये सहायक संधि प्रणाली थी ही ऐसी कि धीरे धीरे करके इसको जो उनके वित्तीय साधन थे उनको चूसना था। और इसने बड़ी अपनी बिल्कुल धीमे धीमे क्या बहुत तेज़ी से ये काम किया कि जो राजा थे उनको बहुत जल्दी बैंकरप्सी के यानी दिवालिया बनाकर छोड़ दिया। अब एक शख्स हैं हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं इनको, कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने कहा था, जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने कहा था कि स्थानीय राजा उनका अस्तित्व तो वास्तव में उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने अथवा कंपनी उनकी सहायक बनी। तो ध्यान रखना कि जो कार्ल मार्क्स हैं अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, और वो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा है कि जो स्थानीय राजा थे यानी जो नेटिव स्टेट थे वो तो वास्तव में उसी दिन समाप्त हो गए जिस दिन कंपनी के द्वारा वो सुरक्षित किए गए, यानी कंपनी ने उनकी सुरक्षा ली और उनकी सहायक बनी। तो स्थानीय राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता उसी दिन खो दी थी, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद में हम देखते हैं जो कंपनी थी उसने सहायक संधि जो की थी वो कब कब की थी, किस किस से की थी। तो जो हैदराबाद के निजाम थे, रुको, जो हैदराबाद के निजाम थे उनसे की थी सितंबर 1798 और 1800 में, जो हैदराबाद के निजाम थे यानी 1798 और 1800 में। और मैसूर से की थी 1799 में, यानी मैसूर जब टीपू सुल्तान हार गया तो उससे 1799 में फिर मैसूर को सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। राजा ऑफ तंजौर 1799, नवाब ऑफ अवध 1801 और पेशवा से की थी दिसंबर 1801 में, यानी अवध और पेशवा दोनों से ही 1801 में की थी, लेकिन अवध से की थी नवंबर 1801 में और पेशवा से की थी दिसंबर 1801 में। और भोंसले राजा ऑफ बरार यानी जो बरार के राजा थे भोंसले, उनसे की थी दिसंबर 1803 में और सिंधिया से की थी फरवरी 1804 में। तो ये याद रखनी है आपको सन। इसके बाद में हम देखते हैं कि वेलेजली एंड द फ्रेंच मैंस, यानी कि वेलेजली तथा उसको फ्रांसियों जो फ्रांसीसी थे उनका पै, आप ये जो चित्र में देख रहे हैं ये हैं नेपोलियन बोनापार्ट। आप शायद सब जानते होंगे आप नेपोलियन काफ़ी महान शख्सियत हैं। तो वेलेजली सेल फॉर इंडिया 1797 द डार्केस्ट ईयर इन इंग्लिश हिस्ट्री, यानी जो वेलेजली थे उन्होंने जो भारत के लिए जब यात्रा प्रारंभ की 1799 में तो उसको जो इंग्लिश इतिहास का डार्केस्ट ईयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन काफ़ी बुरी तरह उन पर हावी हो चुका था उस टाइम पर। नेपोलियन बोनापार्ट हैड ए कॉन्करड इजिप्ट एंड सीरिया
एंड वाज सीरियसली मेडिटेटिंग एन इन्विजन ऑफ इंडिया, यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो सीरिया और इजिप्ट को फतेह कर चुका था और बिल्कुल सीरियसली उसका जो ध्यान था अब इंडिया की तरफ था, यानी अब वो इंडिया की तरफ उसका ध्यान था नेपोलियन बोनापार्ट का। और उसी टाइम पर आना हुआ वेलेजली का, और वो साल जिस साल वेलेजली ने शुरुआत की अपनी भारत की यात्रा की वो इंग्लिश के इतिहास में डार्केस्ट ईयर के रूप में माना जाता है। देखिए 1798 नेपोलियन होप्ड टू मास अबाउट 1 लाख मैन ऑन द यूरोपेट्स एंड इन्वेड इंडिया, यानी जो नेपोलियन थे 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने आशा की 1 लाख लोगों की सेना जो नेपोलियन बोनापार्ट ने इकट्ठा कर ली, और अब उसने जो भारत को विजय करने के लिए यानी भारत पर युद्ध करने या भारत पर आक्रमण करने की तैयारी थी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू कर दी। और वह सिकंदर की ही भांति अलेक्जेंड्रिया से भारत पर आक्रमण करना चाहता था। तो 1801 में भी नेपोलियन ने रूस के जार से संधि कर ली और भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। तो नेपोलियन ने रूस के जार से संधि कब की थी? 1801 में। संधि किससे की थी? रूस के जार से। तो ये नाम ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि नेपोलियन ने 1801 में रूस के जार से संधि की थी। की क्यों थी? ताकि जो भारत है उस पर अपना अधिकार किया जा सके। तो इस तरह से उस टाइम पर उनको काफ़ी ज़्यादा जब वेलेजली यहाँ पर आए तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी उनके अनुकूल नहीं थी, और फिर भी उन्होंने सारी चीज़ें इतने अच्छे से कंट्रोल की। तो हम समझ सकते हैं कि कितना अच्छा उनके शासन चलाने के गुण थे जो वेलेजली थे उनके अंदर। द सीक्रेट कमिटी ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैड रिटन टू वेलेजली इन ए डिस्पैच ऑफ 13 जून 1798, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 13 जून 1798 को वेलेजली को एक गुप्त संदेश भेजा, यानी गुप्त तरीके से लिखा कि अवर एम्पायर इन ईस्ट हैज एवर बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेलसी टू द फ्रेंच एंड जो अदर हैं अदर कुछ भी फ्रेंच एंड डॉट डॉट डॉट। तो उन्होंने लिखा था कि जो हमारा जो साम्राज्य है वो जो फ्रेंच हैं उनकी नज़रों में अखरता है, जो हमारा ईस्ट का यानी जो हमारा पूर्व का जो साम्राज्य है वो फ्रेंच उससे जलते हैं, यानी जो अदर जो यूरोप हैं और वो जो फ्रेंच हैं वो हमारे ईस्ट के साम्राज्य से जलते हैं और वो इसलिए इस पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। तो आपको अब ये इसके आपका दायित्व बनता है कि अब जो ईस्ट का साम्राज्य है यानी जो भारत है और जो अदर एशिया के जो कुछ छोटे छोटे उस टाइम तक, क्योंकि नेपाल वगैरह तो हमारे अंडर अंग्रेज़ों के अंडर उस टाइम तक नहीं थे, लेकिन इधर से जो भारत के कुछ दक्षिण के हिस्से और ये तो ये उस टाइम पर अंग्रेज़ों के हिस्से में हो चुके थे, उनका ये कहना था कि अब इनका जो संभालने की जिम्मेदारी है वो अब आपके हाथ में है। तो द सेम डे वेलेजली लैंडेड इन कलकत्ता, यानी उसी दिन जिस दिन वेलेजली कलकत्ता में लैंड किया, द इनवॉयज ऑफ टीपू रीच्ड बैक मैंगलोर ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम मॉरिशस ब्रिंगिंग विद देम ए फ्रिगेट एंड सम फ्रेंच सोल्जर एंड फर्दर प्रोमिस ऑफ हेल्प। यानी जो टीपू था वो मंगलोर के तट पर पहुंचा था। देखिए जिस दिन वेलेजली ने कलकत्ता में लैंड किया उसी दिन टीपू का दूत मंगलोर पहुंचा फ्रांसीसियों से सहायता की प्रॉमिस लेकर, यानी जो फ्रांसीसी सोल्जर सैनिक थे उनसे सहायता का वचन लेकर टीपू का दूत मंगलोर के तट पर उसी दिन पहुंचा था जिस दिन वेलेजली ने कलकत्ता में लैंड किया था। द निजाम ऑफ हैदराबाद बींग डिसेटेड बाई द इंग्लिश आफ्टर हिज डिफीट ऑफ खरड़ा 1795 एट द हैंड ऑफ मराठाज, यानी जो हैदराबाद के निजाम थे उनकी खरड़ा के स्थान पर मराठों के हाथों हार होने के बाद में जो इंग्लिश थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि 19 आपको अगर ध्यान हो जो लास्ट वाली वीडियो में ये बताया था कि जब अंग्रेज और इसमें हैदराबाद के निजाम के बीच में जब ये संधि हुई थी उसके अनुसार दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी थी जरूरत पड़ने पर, लेकिन खाड़ा के स्थान पर 1795 में जो हैदराबाद के निजाम थे उनकी मराठों के हाथों हार हो गई तो अंग्रेजों ने उनका हाथ छोड़ दिया। तो जो निजाम थे उन्होंने फ्रेंच कमांडर जो कमांडेंट थे मस्यूरो उनको अपने यहाँ नियुक्त कर लिया, और निजाम ने उसकी सहायता से 14,000 जो सैनिक थे वो भी तैयार कर लिए। तो अब ये भी वेलेजली के लिए मुसीबत बनकर ये सामने आ चुका था। और वेलेजली जो थे उनको एक और चीज़ अखरती थी वो ये थी कि उनको मस्यूपैरा थे उनका जो इंडिपेंडेंट स्टेट की जो थ्योरी थी वो बड़ी उनको जो मस्यूपैरा के जो स्वतंत्र राज्य का जो उल्लेख है वो बड़ा उनको अखरता था।
वह भारतीयों के बीच फ्रांसीसी उपनिवेश को सहन नहीं कर सकता था। जो वेलेजली हैं, ये जो फ्रांसीसी उपनिवेश हैं भारतीयों के बीच में, बिल्कुल उसे नहीं सहन कर सकते थे। उसे रणजीत सिंह का, जो फ्रांसीसी कमांडरों का जो प्रयोग करना था, वह भी उसे अखरता था कि जो रणजीत सिंह हैं ये कैसे, वैसे तो ये हमारे मित्र बनते हैं, हमसे ये मित्रता के बढ़ाने की इनकी पूरी कोशिश है। उस टाइम तक रणजीत सिंह की कोशिश ही थी, लेकिन आप जा फ्रांसीसियों को भी, जो फ्रांसीसी हैं उनको भी अपने आप पर कमांडर नियुक्त करते हो, तो ये तो कोई दोगली बात ठीक नहीं है आपकी। तो इसके अतिरिक्त वेलेजली ने क्या किया, जो वेलेजली थे उन्होंने हिसाब लगाया कि जो फ्रेंच हैं उनका मिडिल ऑफ 1799 से पहले भारत पर जो आक्रमण है रेड सी के थ्रू वो करना अभी इम्पॉसिबल है। यानी 1799 के मतलब मिडिल ऑफ 1799 से पहले जो फ्रेंच हैं वो रेड सी के थ्रू भारत पर आक्रमण नहीं कर सकते। अगर वेलेजली ने सोचा कि अगर उससे पहले जो टीपू सुल्तान रहें या फिर जो अदर हैं, ये ध्यान रखना ये टीपू सुल्तान है तो अदर हैं, अगर उनको हम अपने कब्जे में ले लेते हैं तो फिर जो भारत है उस पर जो फ्रेंच आक्रमण है उससे हमको काफ़ी हद तक सहूलियत मिल जाएगी। उसके खिलाफ जो हमारी लड़ने की क्षमता, अगर फ्रेंच आक्रमण फिर भी करते हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो राज्य हैं ये फ्रेंच का जो सपोर्ट करने वाले हैं, फिर वो नहीं रहेंगे फ्रेंच के पास, ये हमारे सपोर्ट में हो जाएंगे, तो फिर जो हमारी पावर है वो बढ़ जाएगी और हो सकता है फ्रेंच आक्रमण हो ही नहीं। तो इस वजह से उन्होंने टीपू सुल्तान को जो सब्सिडरी अलायंस के लिए उन्होंने कहा कि आप जो हमारे साथ सहायक जो संधि है उस पर समझौता कर लीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने इससे मना कर दिया। तो इस वजह से फरवरी 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया फरवरी 1799 में, और ये लगभग मई 1799 में उसी साल ख़त्म हो गया। टीपू सुल्तान मारे गए युद्ध करते हुए, और जो मैसूर था वो अब अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया, और मैसूर पर अंग्रेज़ों ने एक वाडियार वंश का एक अल्पसंख्यक जो बच्चे थे उनको शासक बना दिया और उसको सहायक संधि के अंडर ला दिया। इस वजह से जो मैसूर का जो खतरा था फ्रेंच में शामिल होने का या फ्रेंच को सपोर्ट करने का, वो अब पूरी तरह से टल गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो मराठा थे उनमें काफ़ी उनके आंतरिक झगड़े चल रहे थे, उनकी आंतरिक कलहबाजी चल रही थी। इस वजह से जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे वो अंग्रेज़ों के जाल में आ गए, और उन्होंने दिसंबर 1802 में, ये डेट याद रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, दिसंबर 1802 इसमें उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायक संधि जो थी सब्सिडरी ट्रीटी उस पर साइन कर ली, और जो पेशवा था वो अब सहायक संधि के अंडर आ गया, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने पूना में अपना एक ब्रिटिश सेना जो थी सहायक सेना वो पूना में रख दी। और 1801 में क्या था कि जो इंग्लैंड और डेनमार्क दो विपरीत धड़ों में शामिल थे, यानी अपोजिट साइड थी इंग्लैंड और डेनमार्क 1801 में, दोनों के बीच में मतभेद चल रहे थे और यूरोप में ये एक दूसरे की प्रभुसत्ता को चुनौती देते ही रहते थे, तो ये चलते ही रहते थे, तो ये चल रहे थे इंग्लैंड और डेनमार्क में 1801 में। तो इस वजह से जो वेलेजली थे उन्होंने जो डेनमार्क की जो साइट थी, जो ट्रांकबूर और सीरमपुर, उन दोनों पर कब्जा कर लिया 1801 में ही। अब ये जो सीरमपुर जो था ये कलकत्ते के काफ़ी पास में था, सीरमपुर कलकत्ता के काफ़ी पास में था, और इस वजह से वेलेजली को ये काफ़ी चुभता था, क्योंकि यहाँ पर जो जैकोबिन लोग थे और जो कानून की पकड़ में ना आने वाले लोग थे, या फिर जो भागे हुए भगोड़े थे जो बैंकरप्ट हो चुके थे, या फिर जो ऋणी लोग थे वो जाकर सीरमपुर में बस जाते थे, क्योंकि ये था जो डेनमार्क की जो लोग थे उनके कब्जे में, तो इस वजह से ये सीधा अंडर में नहीं आता था जो इंग्लिश कंपनी थी उसके, तो ये लोग बच जाते थे। इस वजह से ये वेलेजली के काफ़ी चुभता था। सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया। और इन 1799 यानी 1799 में वेलेजली ने मेहंदी अली खान नामक अपना एक दूत जो था वो शाह के दरबार में भेजा, यानी ब्रिटिश एनवॉय था मेहंदी अली खान, और इन्होंने ये शाह के दरबार में भेजा। शाह यानी जो पड़सिया है आज का, वहाँ का जो राजा था उस टाइम उसको साहब बोलते थे, तो उसको उसके दरबार में भेजा उससे संधि करने के लिए। तो इसकी वजह से वहाँ पर शाह से संधि हुई, पड़सिया के साथ से, और उनसे ये संधि हुई कि जो शाह हैं वो अपने यहाँ पर जो फ्रेंच हैं यानी जो फ्रांसीसी हैं उनको अपने देश में आने की अनुमति अब जो शाह हैं वो नहीं देंगे। तो ये भी 1799 में उनकी ये पड़सिया की ओर से जो फ्रांस का आक्रमण का भय था वो ख़त्म हो गया। डेनमार्क के जो यहाँ पर साइट्स थी ट्रांकपुर सीरमपुर, यहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिल सकता था, ये इन पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। ऊपर से मराठों में पेशवा भी ये कंपनी के अधीन आ चुके थे, मैसूर भी कंपनी के अधीन आ चुका था,
तो इस वजह से जो अब फ्रांस का भय था वेलेजली को, अब वो लगभग लगभग समाप्त हो गया था। अब 1803 तक आते आते 1802-3 तक बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो उनकी भी जो हार शुरू हो गई थी, वो भी हारना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से वेलेजली काफ़ी हद तक इस चीज़ में सेफ हो चुका था, और उसने अपने आप को उस पोजिशन में ला भी लिया था कि अगर नेपोलियन यहाँ पर आक्रमण भी करता है तो उसको जो भारत से सपोर्ट मिलनी थी वो पूरी की पूरी तरह से वेलेजली ने ब्लॉक कर दी थी, और वो सपोर्ट जो उसको मिलनी थी वो उसने खुद ले ली थी अगर आक्रमण होता तो भी। तो ये वेलेजली की जो सहायक संधि थी वो यहां पर रंग ला रही थी। देखिए, जो 1798 में हम देखते हैं कि जो बंगाल है, बंगाल से अगर हमको बंबई जाना है, सॉरी यार थोड़ी तबीयत, जैसे मैंने कहा थोड़ी तबीयत ढीली है, तो अगर आपको देखो बंगाल से बंबई जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, या फिर बंगाल से आपको मद्रास जाना है, यानी चेन्नई, उस टाइम पे मद्रास बोलते थे, अगर इन दोनों स्थान में जाना है तो आपको कोई भी रोड लिंक 1798 में इनके बीच में नहीं था। देखो, जो बंबई था वो भी अंग्रेजों के अधीन था, चेन्नई भी अंग्रेजों के अधीन था, और बंगाल यानी कलकत्ता भी अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन 1798 में इन तीनों के बीच में कोई रोड लिंक नहीं था। अगर बंगाल कलकत्ता से आपको मुंबई जाना है तो आपको सी के थ्रू यानी समुद्र के थ्रू ही जाना होगा, कोई भी आपके पास, जबकि रोड लिंक कितना शॉर्ट होता, लेकिन ये नहीं है। इससे आप समझ सकते हो उस टाइम पर, जबकि यातायात कोई आज की तरह ऐसा नहीं था कि आप चाहो तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे उड़ के, नहीं तो इतना टाइम लगता था। तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल था 1798 में टैकल करना। अगर बंबई पर कोई युद्ध होता है और बंगाल से आप सेना भेजना चाहते हो, कोई भी आक्रमण होता है बंबई पर और बंगाल से आप सेना भेजना चाहते हो, तो काफ़ी मुश्किल था उसको टैकल करना। लेकिन 1805 तक आते आते वेलेजली की वजह से ये जो कोई भी लैंड लिंक नहीं था, ये अब सारे के सारे कलकत्ता से मुंबई हो, या कलकत्ता से चेन्नई हो, या फिर मुंबई या चेन्नई हो, ये तीनों के तीनों आपस में लैंड लिंक्ड हो चुके थे, यानी तीनों के तीनों रोड के थ्रू लिंक्ड हो चुके थे। अब अंग्रेज जो थे यानी इंग्लिश जो कंपनी थी, उसको किसी की स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, वो चाहे तो सी के थ्रू या फिर चाहे तो लिंक के थ्रू, अगर कभी भी इमरजेंसी आती है किसी भी उनकी एक कोई जो टेरिटरी है उस पर कोई भी आक्रमण होता है, तो वो अपनी जो उनके ट्रूप्स हैं, उनकी जो हेल्प है, वो बहुत जल्दी, ये राशन वगैरह बहुत जल्दी पहुंचा सकते थे। तो ये वेलेजली का ही कमाल था कि 1805 तक आते आते जहाँ 1798 में कोई भी लैंड रूट नहीं था, उसी वजह से 1805 तक आते आते ये सारे के सारे यानी कलकत्ता से मद्रास हो या मद्रास से बॉम्बे बिल्कुल लैंड लिंक हो चुके थे। देखिए, अब इनके बारे में, वेलेजली के बारे में कुछ ओपिनियंस देख लेते हैं। वैसे ये प्री में जरूरी नहीं है, लेकिन मेंस में अगर हम इनको डालते हैं तो हमारे आधा एक नंबर पढ़ने के पूरी रहते हैं, और मेंस में आधा एक नंबर समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो पी रॉबर्ट्स ने वेलेजली के बारे में कहा, वेलेजली वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ब्रिटिश रूलर ऑफ इंडिया, ओनली क्लाइव वारन हेस्टिंग एंड डलहौजी कैन चैलेंज कंपेरिजन विद हिम, यानी वेलेजली भारत में जो ब्रिटिश रूलर थे उनमें सबसे महानों में से एक थे, और केवल क्लाइव वारेन हेस्टिंग और डलहौजी ही उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो पीई रॉबर्ट्स ने कहा है कि जो वेलेजली हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सक्सेस है उसके मामले में सबसे आगे थे। और हेनरी बेवरेज ने कहा है कि वेलेजली सो क्लियरली डेट द ब्रिटिश इन इंडिया हैड एडवांस टू फार टू रिकेट एंड डेट नो अल्टरनेटिव वॉज लेफ्ट एक्सपेक्ट आइदर टू गेन द होल एंड लूज द होल, यानी वेलेजली ने देखा कि जो ब्रिटिश हैं वो भारत में अब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि या तो आप सारा का सारा पालो या फिर सारा का सारा खो दो। यानी अगर आप अब पीछे हटते हो तो आप जो अब तक तुमने गेन किया है सारा का सारा खो दोगे, अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास सारा का सारा बचा रहेगा। यानी जो नेपोलियन का भय था, अगर उसकी वजह से वेलेजली पीछे हटता, जो अंग्रेज सत्ता है भारत में या तो वो पूरी की पूरी ही खत्म हो जाती, या फिर अगर आप सोचने आगे बढ़ते हो और जो अदर टेरिटरी हैं, तो ब्रिटिश जो हुकूमत है भारत में जो कुछ सीमित थी उस टाइम तक, मुंबई चेन्नई और कलकत्ता तक, उसको आप पूरे भारत तक विस्तार कर सकते हो। तो इसमें वेलेजली ने सोचा कि नहीं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और जो हमारा जो इंडिया में जो रूल करने का है अब हम उसे आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर जो हमारी टेरिटरी है वो उनका हम विस्तार करेंगे। तो इसमें वेलेजली काफ़ी हद तक कामयाब रहा, और यही वजह है कि एक व्यापारिक कंपनी को वेलेजली ने पूरी तरह से प्रशासनिक कंपनी बना के रखा यहाँ पर, और जो यहाँ पर पावर थी, जो ब्रिटिश कंपनी की जो पावर थी, अब वो सबसे सुपीरियर हो चुकी थी। मराठे रहें या निजाम रहें या फिर दिल्ली के सम्राट रहें, कोई भी अब कंपनी की पावर के आगे कहीं भी नहीं टिकता था। सबसे सुप्रीम जो पावर थी वेलेजली की सहायक संधि या फिर उसकी नीतियों के कारण अब इंग्लिश कंपनी बनकर उभर चुकी थी।
थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो कमेंट करके बताइए। बाकी थैंक्स, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।